की बात नहीं समझा जन, एक सोल्जर ये नहीं पूछना। नमस्ते, हाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइज, आज ना सबसे पहले तो मैं अभी शूट पे आया हुआ था, सो अभी थोड़ी बहुत तक सारा शूट कंप्लीट हो चुका है रील्स का। आज मैं जाने वाला हूँ ब्लॉकबस्टर मूवी पठान देखने के लिए। मेरा भाई बहुत मन था कि मेरे को पठान एक बार देखनी है। भीम वगैरह सब है ना, ये तो फर्स्ट शो ही देख के आ गए थे कल ही भाई 9 बजे, सबसे फर्स्ट शो जो जयपुर के अंदर फर्स्ट शो ना वही देख के आ गए। बट मैं अगले दिन जा रहा हूँ, आज हो चुकी है 25 तारीख। तो अभी ना मैं शाम का टिकट है मेरा 6 बजे के लगभग का। सो मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं, बाकी अभी यहाँ पे शूट वगैरह चल रहा है। एंड अभी ना आप ये वाली बिल्डिंग देखो यार, यहाँ से कितना मतलब फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत प्यारी है क्योंकि कैमरा भी है हमारे पास, तो सबसे मेन तो ये है। सो कैसा लग रहा है आपको? आप पठान देख के आ चुके हो ना? मैं कहाँ देख के आया, ये देख के बताना मत, कुछ मत बताना। पठान के घर पे आए तो पटाखे तो लेके आने पड़े। वाह, कुछ नहीं, जब पठान देखेगा लास्ट में जो होगा ना, देखते हैं ऐसा क्या हो जाएगा। रॉक्सी में झूठ बोल रहा है। अभी ना बस यहाँ से शूट कंप्लीट करते हैं, जल्दी से निकलते हैं, बिकॉज 5:20 तो हो ही चुके हैं, 6 बजे का शो है। बट यहाँ से ना मेरे को 2 किलोमीटर पैदल जाना है। ओके, सो गाइज मैं ना अभी निकल चुका हूँ, और भीम तो घर पे चल गया, रॉक्सी भी अभी हल्का जा रहे हैं, एंड अमन का छोटा भाई अरे मामा का लड़का ही है। अच्छा, मामा का लड़का ही है, हाँ मतलब मेरे को अच्छे से याद नहीं है। सो अभी ना इनको हल्का छोड़ के फिर ये मेरे को छोड़ दें। अरे भाई गाड़ी मार ली भाई, तो ना या मैं इनके साथ हल्का जाऊंगा, फिर ये शायद बाइक से मेरे को सिने स्टार छोड़ देंगे। सिने स्टार ना एक मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स ही है ना, मल्टीप्लेक्स ही है, 3-3 पिक्चरें लगती है। अच्छा, मल्टीप्लेक्स ही है। फाइनली गाइज हम लोग थिएटर पहुंच चुके हैं, एंड ऊपर आप पठान का पोस्टर देख सकते हो भाई। बट ये बहुत छोटा पोस्टर लगाया यार, एकदम बड़ा सारा लगाना चाहिए था। बहुत छोटा है ना पोस्टर, एकदम बड़ा सा लगाना चाहिए था, पूरी ये स्क्रीन ही कवर कर देनी चाहिए थी। कुछ बोलो, पठान के घर पे रखोगे तो पटाखे तो लेकर हट जाओ, हट जाओ। गाइज अभी तो ना मैं अपने दोस्त लोगों का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे और कोई भी नहीं आया। देखते हैं भाई कितनी देर में आएंगे। पिज्जा हट भी है, लोगों की भीड़ तो अच्छी खासी है, बट कल अगर मैं कल आता ना भाई तो और अच्छा थोड़ा माहौल देखने को मिलता। बट सच बताऊँ ना, मैं कल क्यों नहीं आया, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भाई, इस वजह से नहीं आया। अभी तो अब दोस्त लोग आ रहे हैं 2-3, तो उनके साथ देख के आऊँगा। यार गाइस मेरे को ना यहाँ पे बैठे बैठे 15 मिनट हो गए, बट अभी तक मेरे दोस्त लोग आए नहीं, और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं भाई मूवी स्टार्ट होने के। पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे, कहीं धोखा ना दे दे, क्योंकि मेरे साथ पहले एक बार हो चुका है भाई ऐसा। अभी जस्ट ना एक मतलब शो ख़त्म हुआ है, शायद 3 बजे का जो शो था ना वो कंप्लीट हुआ है, बिकॉज भीड़ आ रही है ना इतनी सारी, तो इसी वजह से। अभी इन लोगों से तो मैं पूछ नहीं सकता कि मूवी कैसी थी, जब मैं खुद देख के आऊँगा ना फिर उसके बाद पूछ लूँगा, कोई मिल जाता है तो मैं ना क्या ही कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त मिल गया मेरे को, देखना कहाँ से आ रहा है मूवी देख के, देख लिया कैसी है? एक नंबर। तेरा भाई भी अभी जाऊंगा मैं, 6 बजे वाले में जाऊंगा यार, बैठूंगा। दोस्त आ रहे हैं 2-3। कौन आ रहे हैं? एक है 2-3। बढ़िया है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है भाई। गाइस सभी लोग तो ना मूवी को अच्छा बता रहे हैं, ये तो मेरा ना बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब बचपन से दोस्त है हम लोग, तो बढ़िया बता रहा है, मतलब अच्छी होगी शायद। भीड़ ना भाई तगड़ी होते जा रही है, एंड टिकट ना सारे खत्म हो चुके हैं, अभी मैं अंदर देख के आया था। हम लोगों ने तो ना ऑनलाइन टिकट पहले से करवा रखी थी, बट अभी जो ऑफलाइन ले रहे हैं ना उनको तो टिकट मिली नहीं। लिटरली गाइस SRK का भाई तगड़ा मतलब क्रेज है, बस आप भीड़ यहाँ देखो, इतने लोग है, एंड अंदर बहुत सारे पहले ही जा चुके हैं। पठान मियां का दिल जख्मी है, अरे
अभी सब उतरेगा, देखना सिनेमा का, सिनेमा के आगे सब उतरेगा। अच्छा फाइनली गाइज अभी इंटरवल हुआ है। अभी तक की मूवी ना भाई इतनी खतरनाक है मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा। मतलब लास्ट के अंदर ना अभी इंटरवल होने से एक मिनट पहले इतना खतरनाक ट्विस्ट आया ना भाई, मतलब बता नहीं सकता। दीपिका पादुकोण ना छोड़ गई भाई शाहरुख खान को। सो अभी भाई यहाँ का मेरे को ना थोड़ा सा ये लग रहा है यार, ये लोग चिल्ला रहे हैं तो ये चीज खराब लग रही है मेरे को। वो देश के लिए क्या कर सकता है, भाई सच्ची बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा। अभी ना मेरे फोन में सिर्फ 1% बैटरी है तो मैं घर जाके बात करूंगा। गाइस बताओ भाई अभी इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है और सर्दी में बारिश, आए हाय। मतलब बोलते ना जख्म के ऊपर नमक लगाने वाली बात हो रही है यहाँ पे, तो मतलब फिर भी यार मेरे को ठंड नहीं लग रही बतानी, क्योंकि मैं थोड़ा सा वो बॉडी बिल्डर नहीं, सही में ठंड तो लग रही है। वो तो मैं भी थोड़ा सा ना ब्लॉग शूट करने के लिए आया था। एंड पठान जो मूवी थी ना गाइस सच्ची इतनी ज्यादा वर्स्ट थी ना, मतलब मजा आएगा भाई सही में। एंड उसके अलावा क्या मूवी देखने के बाद ना मेरे को शादी में भी जाना था। ये आवाज आ रही है पता है किस चीज की, बादल की वजह से भाई, बिजली ना गिर जाए। अभी तो बस कपड़े वगैरह पहन के, आई डोंट नो गाइस ये बारिश तो कभी रुकेगी भाई, बट आज का व्लॉग ना यही एंड करते हैं। आपको बोलूंगा कि एक बार तो पठान जरूर देख के आना, चाहे थिएटर में देख के आओ यार, क्योंकि ना घर पे इतना उसमें एक्शन है ना तो थिएटर में बहुत मजा आएगा। आपका व्लॉग यही एंड करते हैं, अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। एंड आजकल ना मैं मिनी ब्लॉग्स भी बनाने लग गया हूँ तो उन पे बहुत सारा प्यार दिखाओ, और आपको कैसे लग रहे हो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, एंड मैं ट्राई करता हूँ कि अब घर के अंदर ना कुछ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स करूँ, चैलेंजेस करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।